अर्ज किया है, दूध मलाई की बनी हुई खीर खा ले। धन्यवाद। दूध मलाई की बनी हुई खीर खा ले, अरे तू भी किसी ज्योतिषी के पास जाकर तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। आजकल ज्योतिषी इतने हो गए हैं, पहले ये चटाइयां लेकर गली गली में घूमा करते थे, लेकिन आजकल चैनलों पर आ गए हैं। हर चैनल का अपना एक पर्सनल ज्योतिषी हो गया, बाबा हो गया, और इनका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को डराना। अपने अलग अंदाज से लोगों को डराते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए, यही बात बिल्ली पूछ रही होती है, कमीने अगर बंदा रास्ता काट जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको बीवी को वश में करने का उपाय, और उसकी खुद की बीवी किसी और के वश में होती है। ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो असंभव कभी हो ही नहीं सकते। और इन ज्योतिषियों के पास मैं आपको बताऊं 5-7 सवाल होते हैं जो हर किसी पर फिट बैठते हैं, हर किसी पर। आप नोट करना, चटाई मारकर ज्योतिषी कहीं भी बैठे हो, कोई बेचारा दुखी इंसान आगे से जा रहा है, ये उसको रोक लेंगे, बच्चा दुखी है। दुखी कौन नहीं है बताओ, सारे दुखी हैं। जितना करता है उतना फल नहीं मिलता, अपनों से धोखा मिला, पैरों में 3-4 सवालों के बाद पैरों में गिर जाता। बाबा बिल्कुल ठीक है, जिंदगी खराब हो गई, तो टेंशन मत ले, जिसके पास आया सब जवाबों का हाल तेरे को बताएगा, हाथ दिखा। ये लीजिए बाबा। सत्यानाश हो तेरा। क्या हुआ बाबा? अरे तेरे हाथ में देख रहा हूं दशा तेरी बड़ी खराब है, शनि तेरे चौथे घर में आके बैठ गया। बाबा नहीं बैठ सकता। अरे क्यों? क्योंकि बाबा मेरे पास तो एक भी घर नहीं है, चौथा घर कहां से आएगा? मैं सत्यानाश तेरा कुंडली के चौथे घर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा बाबा, बाबा किसी तरीके से बाहर निकालो। निकाल दूंगा, मेरे पास आया है। शनि को बाहर निकालने का 501 रुपया लगेगा। 501 रुपये बाबा? 501 तो बाबा 501 तो नहीं है। कोई बात नहीं, तू आया पहला ग्राहक है, कोई बात नहीं, 151 रुपये लगेंगे। नहीं है, इनकार मत करना, 51 रुपये लगेंगे, शनि बाहर निकाल दूंगा। बाबा सच बताऊं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो बाबा रो पड़ा। तेरा सत्यानाश हो, दवा हो जा फिर यहां से, मुझे लग रहा है शनि तेरी कुंडली में नहीं, मेरी कुंडली में बैठे। मैं भी जोशियों के चक्कर में फंस जाता हूं कभी कभी। पिछले दिनों मैं भी एक जोशी के पास चला गया, नया नया जवान हुआ था, वैसे अभी भी जवान हूं। मैं जोशी के पास बड़ा पहुंचा हुआ बाबा था, मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा बाबा, बाबा बड़ा नाम सुना है आपका। कोई बात नहीं बच्चा, क्या काम है? बाबा बस मैं एक छोटा सा काम है बाबा, मुझे पता लगा कि आप सब काम करवा सकते हैं, आप बहुत पहुंचे हुए हैं। हुक्म कर बच्चा, क्या करवाना चाहता है? बाबा बस छोटी सी इच्छा मेरी, मैं कैटरीना कैफ से शादी करवाना चाहता हूँ। तो बाबा बोला ठीक है, हो जाएगी बच्चा, उपाय लिख। अच्छा हो जाएगी, लिखाइए बाबा लिखाइए। ऐसा करना है, 5 किलो चावल, तुमने 5 किलो चावल लेकर समंदर के बिल्कुल बीच में जाकर ऐसे 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 करके छोड़ने हैं, और 2 घंटे बाद वो सारे चावल इकट्ठे भी करने हैं। मैंने कहा बाबा ये तो आपने बड़ा असंभव सा उपाय लिखाया है। तो बाबा बोला कमीने, तुमने कौन सा संभव काम बताया है। लेकिन आप नोट करना, कई लोग अंधविश्वासी नहीं होते, कई लोग मानते ही नहीं इन वहमों को भरमों को। उनमें से सिद्धू साहब हमारे, बुआ चक्कर फटन नापद क्लिक हुजूरे वाला बुआ, वो मैंने देखा वो इन वहमों को नहीं मानते। पिछले दिनों मैं उनके घर गया, हमने किसी काम पर निकलना था, और जैसे ही हम दोनों उनके घर से निकलने लगे तो आगे से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने सिद्धू साहब को रोक लिया, मैंने कहा सिद्धू साहब सारे काम कैंसिल कर दीजिए आज, क्योंकि मैंने सुना है कि काली बिल्ली जब रास्ता काट जाए
तो कोई काम नहीं बनता और खाने को कुछ नहीं मिलता। सिद्धू साहब को गुस्सा आया। इधरा सिद्धू साहब ने मेरे वट के थप्पड़ मारा। बोले मिल गया ना खाने को, मिल गया ना खाने को, चक दे फट्टे नप दे के लिए की करूंगी बिल्ली, चल। हम निकल गए, सारा दिन काम किए और सच मानो दोस्तों कोई काम नहीं बिगड़ा, सारे बन गए। दूसरे दिन फिर घर से निकलने लगे, बिल्ली रास्ता काट गई। हम दूसरे दिन फिर निकल गए, सारा काम करके वापस आए। तीसरे दिन जब फिर निकलने लगे, आगे से बिल्ली रास्ता काटने लगी, म्याऊ, आधे रास्ते से वापस मुड़ गई। मैंने बिल्ली से कहा, मैंने कहा बिल्ली मासी, काट जा रास्ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे से बिल्ली रोती हुई बोली, कमबख्त तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 दिन से भूखी मर रही हूँ। एक बात कह दूं सच्ची दोस्तों कि मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पर, ये नजर के धोखे हैं। अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। तालियों का नाम सुनते ही हमें हिम्मत आ जाती है और सिद्धू साहब की भी याद आ जाती है। उन्हीं के अंदाज में शेर पेश करने जा रहा हूं। हजूरे वाला, हिम्मत करने वाला इंसान दुनिया में सब कुछ पा जाएगा। हिम्मत करने वाला इंसान दुनिया में सब कुछ पा जाएगा और उसी हिम्मत वाले इंसान को दीपक राजा बी फॉर यू पर हंसाएगा। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हुजूरे वाला, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठोको ताली। हिम्मत, हिम्मत और बहादुरी का जिक्र आते ही इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। और मुझे याद आ गया एक किस्सा। एक बार पानी के जहाज में 3 जनरल बैठे हुए थे, पग पी रहे थे, हिम्मत की बातें चल रही थी। एक अमेरिका का जनरल था, एक इंग्लैंड का जनरल और एक इंडिया का। अमेरिका का जनरल बोला, हमारे जवानों में बहुत हिम्मत है, वेरी ब्रेव। बाकी बोले, प्रूव करके दिखाओ। ओके जवान, उसने अपने जवान को आवाज मारी। जवान आया, यस सर। ऐसा करो, इस समंदर के 10 चक्कर लगा के आओ। ओके ओके सर। वो गया, 10 मिनट के बाद आ गया, सर डन डना डन डन, चक्कर कंप्लीट। इंग्लैंड का जनरल बोला, ये हिम्मत है नथिंग, कुछ भी नहीं, हमारे जवानों में बहुत ज्यादा हिम्मत। वो कहते, प्रूफ करके दिखाओ। उसने अपने जवान को आवाज मारी, जवान, यस सर। ऐसा करो, इस समंदर के 25 चक्कर लगा के आओ, जाओ, और वो भी 10 मिनट में। ओके सर। 10 मिनट के बाद आ गया, सर चक्कर कंप्लीट। इधर इंडिया का जनरल बैठा था, वो हंस पड़ा। इसे तुम हिम्मत कहते हो? डूब के मर जाओ तुम लोग। वो दोनों हैरान, अच्छा तुम्हारे जवानों में इससे भी ज्यादा हिम्मत, हाँ प्रूव करके दिखाओ। इंडिया का जनरल ने अपने जवान को आवाज मारी, जवान। जवान आया, यस सर। ऐसा कह रहे, इस समंदर के 50 चक्कर लगा के, वो भी 5 मिनट में। तो जवान बोला, सर तेरे बाप के नौकर लगे। कुंभ का मेला देखना भी बड़े हिम्मत की बात है, मैंने देखा है। पिछले दिनों कुंभ का मेला लगा था और मैं चला गया दर्शन करने के लिए, वहां पे कुंभ का स्नान करने के लिए। जैसे मैं मेले में पहुंचा तो मुझे किसी ने बताया था, दीपक राजा अगर वहां पे कुंभ के मेले में तुझे कोई नांगा बाबा नजर आए तो उसके पांव पकड़ के कोई मुराद मांग लेना, अवश्य पूरी होगी। मुझे याद आ गया, सामने से देखा नांगा बाबा चला आ रहा है, मैं भाग के गया, उसके पांव पकड़ लिए। बाबा बाबा जल्दी से बताओ, बाबा जल्दी से बताओ, बाबा मुझे शादी के लिए लड़की कब मिलेगी? तो बाबा ने जोर से झापड़ मारा था। बोला, कमीने पहले तू बता मुझे लूंगी कब मिलेगी। मैंने कहा, बाबा लूंगी? नांगा बाबा, आपको लूंगी की क्या जरूरत? तो बोला, कमीने मैं नांगा बाबा नहीं हूं, मैं उधर नहा रहा था, मेरे को कपड़े उठा के भाग गया। और उससे भी बड़ी हिम्मत की बात बताऊं, हंसना भी बड़ी हिम्मत की बात है दोस्तों। आप हंसते हैं, करोड़ों लोग हंसते हैं बी फॉर यू चैनल पर, यह बड़ा हिम्मत की बात है। यह आम बात नहीं, मैं बता दूं, आम बंदा नहीं हंस सकता।
हमें बड़ी खुशी होती है कॉमेडियंस को जब हमारी बातों पर कोई हंसता है, लेकिन बड़ा दुख भी होता है जब कोई नहीं हंसता, दिल रोता है हमारा। एक बार कभी कभी ऐसा हो जाता है, पिछले दिनों मेरा एक शो था बॉम्बे में ही, भाईदास हॉल में मैं शो कर रहा, सारे लोग इंजॉय कर रहे, मैं जोक सुना रहा हूँ, लोग इंजॉय कर रहे, हंस रहे, लेकिन सामने एक सज्जन बैठे थे मोटे से, कोट पैंट डाल के गोगड़ निकाल कर ऐसे मोटा, वो मेरी किसी बात पर नहीं हंसा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आपको मतलब कोई जोक समझ नहीं आ रहा या मतलब क्यों आप हंस क्यों नहीं रहे? तो आगे से बोला, मैं क्यों हंसूं? व्हाई, क्यों हंसूं मैं? आई एम ए रिच मैन, मैं अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए बंदे रखे हुए हैं। मैं साइड पे देखा, 5-7 बंदे हंस रहे थे, मैं समझ गया इसी ने रखे होंगे। उसके बाद मैंने शेर सुनाया, सभी ने तालियां बजाई, वो तालियां भी नहीं बजा रहा है। मैंने कहा सर तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? वो गुस्से से बोला, मैं तालियां क्यों बजाऊं? आई एम ए रिच मैन, मैंने तालियां बजाने के लिए बंदे रखे हुए। मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा सर आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पर आप ही गए थे कि अपने बंदों को भेजा था? उसके बाद वो खुल के हंसा और मुझे खुशी बड़ी हुई आप भी हंस पड़े हैं, नहीं तो मैंने सोचना था आपने भी बंदे रखे हुए। अर्ज किया है कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते हैं? थैंक यू। कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते हैं? अरे मुंह में दांत नहीं होते फिर भी हर बुढ़ी पे मरते हैं। तो बात करते हैं बुढ़ों की। वैसे कई बुढ़े बड़े ठरकी होते हैं, मेरे दादा बड़े ठरकी टाइप के हैं। पिछले दिनों मुझे बोले सुबह सुबह, अब अपना बेटा दीपक ऐसा करो बेटा, जल्दी से मेरे अंदर से जो दांत पड़े लेकर आओ बेटा। मैंने कहा दादाजी अभी तो आपने खाना खा लिया। अबे खाना नहीं खाना कमीने, सामने वाली बुढ़ी को स्माइल देनी है। ऐसे और इतने ठरकी। एक दिन मुझे कहने लगे, बेटा मैंने जिंदगी में सारी चीज़ें देख ली बेटा, हर काम कर लिया, बस आखिरी इच्छा बाकी है। मैंने कहा दादाजी कोई बात नहीं, बताइए मैं पूरी करूँगा आपकी इच्छा। बेटा इंग्लिश फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं कहा दादाजी आपका दिमाग ठीक है इस उम्र में ऐसी घटिया बातें? घटिया तू कर रहा है, सोच तेरी घटिया है बेटा। मैं वो वाली अंग्रेजी फिल्म नहीं देखना चाहता, मैं बढ़िया वाली अंग्रेजी फिल्म टाइटैनिक देखना चाहता हूँ बेटा, समझ मेरी बात? अच्छा। मैंने कहा बाबा टाइटैनिक? मैंने कहा दादाजी टाइटैनिक कोई बात नहीं, पर दादाजी टाइटैनिक तो इंग्लिश में लगी है, आपको इंग्लिश कहाँ समझ आ गई? कोई बात नहीं बेटा, तू साथ में बैठा ना, साथ में ट्रांसलेट कर करके बताते जाना बस। टाइटैनिक फिल्म शुरू हो गई, जहाज समंदर में डूबा हुआ है और अंग्रेज कुछ बातें कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टाइटैनिक? दादाजी मुझे बोले बेटा ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कहा दादाजी ये कह रहे हैं कि बहुत साल पहले एक जहाज समंदर में डूब गया था, उसका नाम टाइटैनिक है। अच्छा अच्छा। फिल्म आगे बढ़ी, एक बुढ़िया बोली, आई नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टाइटैनिक। दादाजी बोले बेटा अब ये क्या कह रही है? मैंने कहा दादाजी ये बुढ़िया कह रही है मैं जानती हूँ ये किस वजह से डूबा था। आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ गई, हीरो हीरोइन जहाज के बिल्कुल नीचे जाके प्यार करना शुरू कर जाते हैं, आपको पता ही है। ऐसा ऐसा सीन शुरू हो जाता है, बड़ा रोमांटिक सीन। मैंने कहा दादाजी ये ना, दादाजी बोले चुप कर, ऐसी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। एक बार दो बुढ़िया आपस में बैठकर बात कर रही थी, एक बुढ़ी ने कहा अरे शीला तुझे तुम्हारी जवानी की सबसे हॉट किस याद है बता ना तुझे? तो दूसरी बोली हाँ याद है मुझे, सबसे हॉट किस मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई ना, पहली रात को ही मेरे हस्बैंड आए, मुंह में बीड़ी डाली और मुझे किस कर लिया। तो इसमें हॉट क्या है? एक्चुअली मुंह से बीड़ी निकालना भूल गए थे। और लेकिन 70 साल की उम्र के बाद इनका प्यार बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई बहनों की तरह प्यार करने लगते हैं फिर ये बुजुर्ग लोग भी। मुझे याद है एक बार मैं किसी शो में कंपेयरिंग कर रहा था, एक 70 साल की बुजुर्ग माता जी आ गई भागी भागी, बेटा
बेटा। मैंने कहा जी माता जी, मैं कंपेयरिंग बाद में करना, पहले एक अनाउंसमेंट का जल्दी जरूरी। मैंने कहा माता जी क्या अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट कर के पप्पू के पापा कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाए। मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने कहा हेलो पप्पू के पापा कहीं भी हो वो स्टेज के पास आ जाए, ये हमारे माता जी बुला रहे हैं। हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया, 10 मिनट बाद बुढ़िया फिर आ गई। तेरा सच्चे हाल नाच जाए, मैं तुझे कह रही हूँ कि अनाउंसमेंट कर, पप्पू के पापा को बुलाओ इधर। मैंने फिर अनाउंस, पप्पू के पापा कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाए। मैंने 3-4 बार अनाउंसमेंट कर दी। जब 5वीं बार अनाउंसमेंट की, पप्पू के पापा कहीं भी हो यहाँ आ जाए, तो पीछे से पप्पू का पापा उठकर बोला, वो 80 साल का बुजुर्ग, हाँ बता मैं ही हूँ पप्पू का पापा, क्या तकलीफ है? तो बुढ़िया उसको देखकर बोली, अच्छा 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 अपना बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा माता जी 3 घंटे हो गए हमारा प्रोग्राम खराब करते हो, अब जब पप्पू के पापा मिल गए उसको देख कर कह रही हो बैठ जा चक्कर क्या है? तो बुढ़िया बोली, बेटा चक्कर कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही देखना था कहीं कमीना लड़कियों में तो नहीं बैठा।